पर कॉरपोरेशन का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, पार्षदों का चुनाव है, और जो कॉरपोरेशन है वो शहर के साफ सफाई से लेकर हर कार्य, सड़क का प्रबंधन और जितनी भी स्वास्थ्य का काम हो, सब कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी होती है, बहुत अहम जिम्मेवारियां रहती। और जैसा बताया, पिछले 6 साल से यहाँ कॉरपोरेशन थी ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। मेरे को मालूम है कि हमने 2014 में जब हमारी सरकार गई, कितना पैसा सोनीपत के लिए हम छोड़ के गए थे, क्या क्या सोनीपत में हुआ, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी। आप मेडिकल कॉलेज सोनीपत जिले में भी और सोनीपत शहर में आप देखा, यूनिवर्सिटी लगाओ, रेलवे लाइन लगाओ, ओवर ब्रिज लगाओ, सीवरेज लगाओ, कितने ही काम मैं गिना सकता हूं सबके लिए पैसा। मेरा एक सवाल है कि भाई इन 6 साल में ये मौजूदा सरकार या कॉरपोरेशन जिनके पास थी, कोई एक काम बता सकते हैं? पानी के पीने का इंतजाम हम करके गए, स्कीम हमने मंजूर करा गए, एक काम बता दे, कोई उनका समर्थक होते ही बता दे भाई 6 साल में इनने ये काम किया, एक काम बता दे। कोई उनका कोई उपलब्धि नहीं। और आज स्थिति क्या है, आज किसान बर्बादी के कगार पे बैठा, सारे देश का किसान, खासकर हरियाणा पंजाब का किसान सड़कों पर बैठा, क्या मांग कर रहा है कि हमारे को MSP दो। हमारे समय में जितनी भी MSP थी, किसान खुशहाल था, किसान खुशहाल था तो भाई दुकानदार भी खुशहाल था, व्यापारी भी खुशहाल था, गरीब आदमी भी था, मजदूर भी सब खुशहाल थे। अगर किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं हो सकता। यही कारण है आज जिससे पूछो, किसान तो बर्बादी के कगार पे ही है, किसी व्यापारी से पूछो, दुकानदार से पूछो, क्या कहेगा वो, अगर बोला जी मुनाफा तो गया दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूँ, दुकान पर गाके नहीं आते, गाता से गाके जेब में तो पैसा ही नहीं है, फसल का पैसा ही नहीं है। और जो कर्मचारी सड़कों ही पर है, हटा दिए जाते हैं, और नौकरियां बिक रही हैं। अभी ये कह रहे थे भाई वो घर बड़ी ईमानदारी से नौकरियां दे रहे हैं, बड़ौली गांव में आया था वो डॉक्टर राकेश का कत्ल हुआ या आत्महत्या की आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन उसका कारण क्या था पीछे, सिर्फ नौकरी बेचने का ही कारण था ना, और तो कोई कारण नहीं था। इस तरह कितने ही उदाहरण है आपको, आज कोई भी मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, शिक्षा यहाँ खानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज पर हमने बनाया, वहां पर आज डॉक्टर नहीं, कोई भी काम देखो, स्कूल में टीचर नहीं, बुजुर्ग को पेंशन हम उसकी चारपाई पर पहुंचाते थे, और आज क्या है, अगर बुजुर्ग बीमार हो तो चारपाई समेत बैंक में ले जाओ तब पेंशन मिलेगी, नहीं पेंशन नहीं मिलेगी। और ऐसा स्थिति क्या, 6-6 महीने तक कई जगह पेंशन नहीं मिल रही। ये आपके कर्मचारी हैं, उनसे बात करो आप, तो हर वक्त परेशान है। और किसानों की आप देख ही रहे हो बर्बादी किस प्रकार की हो रही है, कितने दिन हो गए, कितनी सर्दी है। अरे जब ये किसान, वो कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर दिल्ली जाना चाहे तो भाई क्यों रोकोगे। जब किसान दिल्ली जा रहे थे अपनी आवाज उठाने के लिए, तो यहाँ पानी की बौछार की गई, इतनी सर्दी में टीयर गैस मारे गए, ये तो ऐसी निर्दलीय सरकार है आपके सामने, और भ्रष्टाचार के तो सब रिकॉर्ड टूटे हुए हैं, एक के बाद एक घोटाला, धान का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, दवाई का घोटाला, घोटाले पे घोटाला,
नौकरियों का घोटाला कोई देख लो, घोटाले पे घोटाला, और कितने बच्चों को नौकरी से हटा चुके हैं, कह रहे हम लगाएंगे, ये तो हटा चुके हैं। इसी वास्ते जो प्रदेश 2014 में पूरे देश में, मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये कोई वैसे नहीं कर रहा, अपने आप नहीं कर रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं, पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था 2014 में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, कानून व्यवस्था कायम थी, किसान और सारे वर्ग खुशहाल थे। आज कहां पहुंच गया हमारा प्रदेश, आज इस चीज में नंबर एक है, आज बेरोजगारी में हमारा नंबर एक है, आज अपराध में नंबर एक होने जा रहा है, पूरे देश के आंकड़े आप देखो, क्या क्या करके आ रही है सरकार। और कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं भाई, ये तो सरकार लोगों की सरकार होती है, कॉरपोरेशन तो वो खुद फैसला लेती है, 6 साल तक या कॉरपोरेशन नहीं बनने दी ताकि खुली लूट मचाई जाए। तो भाई इस लूट से बचना है, आज मौका आया। देखो बड़ौदा में चुनाव हो रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि बड़ौदा का चुनाव अगर आप जिता दोगे तो इस सरकार की चूड़ हिल जाएंगी। हिली कि नहीं ली? रोज आ रहा फलाना एमएलए, बाज रहा है फलाना, दे रहा है। और भाई सोनीपत का, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, मेयर का और पार्षदों का चुनाव जिता दोगे आप, तो एक बात कहकर जा रहा हूं, इस सरकार की पैर की तले की धरती हिल जाएगी, धरती निकल जाएगी। तो ये एक संदेश देगा पूरे हरियाणा में। तो मैं खास तौर पे 36 बिरादरी से ये निवेदन करने आया हूं कि आप अपना भला समझो, अपने बच्चों का भविष्य का ही सोचो, और खाली कॉरपोरेशन के साथ साथ ये आप अपने भविष्य का भी फैसला करने जा रहे हैं। तो आज 36 बिरादरी एक होकर भाई ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप यहां से जिता के भेजोगे, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। चुनाव होगा 27 तारीख को, भाई मैं तो यहां नहीं हूंगा चुनाव वाले दिन, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आपने जाना है, बटन इतनी जोर से दबाना है इनका कि मेरे को आवाज दिल्ली या रोहतक में सुननी चाहिए, जावे में हूं।